गाइज, इस वीडियो में हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बताएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर से अलग है। इसके बाद हम इसमें कि डिजिटल कंप्यूटर को आगे बताएंगे कि डिजिटल कंप्यूटर डिवाइड ऐसे हैं, सुपर कंप्यूटर में मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो गाइज देखते हैं। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में हम कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वेज। कंप्यूटर को हम दो तरीके से बांट सकते हैं, एक तो हम उसके कार्य के आधार पे, वर्क के आधार पे, और दूसरा हम उसको उसके एक तो हम उसको उसके कार्य के आधार पे, हम उसके वर्क के आधार पर उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, दूसरा हम उसको उसकी साइज़ के आधार पे वो कर सकते हैं। तो वर्क के आधार पे हमने जो वर्क के आधार पे हम कंप्यूटर को तीन तरीके से बांट सकते हैं, पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो और अकॉर्डिंग टू साइज, साइज के आधार पर हम उसको सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। ये अपना सुपर कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर और ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर और ये है मिनी कंप्यूटर। इसके बाद ये माइक्रो कंप्यूटर। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। वर्क के आधार पर हमने एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर के आधार पर डिवाइड किया था। तो यहाँ पे जो एनालॉग कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है कि देखो, एनालॉग कंप्यूटर इज अ यूज्ड फॉर मेजरिंग द फिजिकल फिनोमिना सच एज वेलोसिटी है, प्रेशर है, वोल्टेज टेम्परेचर है, मैकेनिक जैसे ये है वेलोसिटी है, इसके बाद प्रेशर है, वोल्टेज है, टेम्परेचर है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो होती है उसमें यूज़ किया जाता है। जैसे अपन थर्मोमीटर जो डॉक्टर यूज़ करता है उसमें एनालॉग कंप्यूटर यूज़ होता है, स्पीडोमीटर जैसे ऑटोमोबाइल्स में जो स्पीडोमीटर लगा हुआ है उसमें यूज़ करते हैं। इसके बाद है पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप में जो रीडिंग वगैरह लेने के लिए उसमें एनालॉग कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो पेट्रोल पंप इंडिकेटर मतलब वही, इसके बाद इंडिकेटर में यूज़ होता मल्टीमीटर, मल्टीमीटर में यूज़ होता ये, इसके बाद बेरोमीटर में यूज़ होता है। तो इस तरह ये एनालॉग कंप्यूटर मतलब यूज़ होता है, जैसे पेट्रोल पंप पे जहाँ पेट्रोल डलवाने जाते उसमें रीडिंग बताता उसकी क्वांटिटी और उससे रिलेटेड उसकी प्राइस, वो जो इंडिकेट करता वो उसको एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। थर्मोमीटर में जो डॉक्टर थर्मोमीटर यूज़ करता उसमें एनालॉग कंप्यूटर यूज होता, गाड़ियों वगैरह में एनालॉग कंप्यूटर यूज होता। इसके बाद हम देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर से अलग है, इसमें क्या था डिजिटल कंप्यूटर जो है, दिस कंप्यूटर परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ये क्या करता है, कैलकुलेशन परफॉर्म करता और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता ऑन द डिजिट और बाइनरी नंबर। ये किस पे काम करता है, डिजिट्स पे काम करता है। और जो एनालॉग में क्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल यूज होते हैं। अब इसमें डिजिट्स और बाइनरी नंबर सच एज डिजिटल क्लॉक, जिसे डिजिटल क्लॉक वगैरह जो जिसमें 24 तक की जो डिजिट्स रहती है वो डिजिटल क्लॉक उसमें यूज होता है डिजिटल कंप्यूटर। अब टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, अब डिजिटल कंप्यूटर को हम आगे तीन तरीके से बांट सकते हैं, पहला है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। अब देखिए हमने इसको टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, ये है हमारा डिजिटल कंप्यूटर है, इसमें हमने पहले सुपर कंप्यूटर, दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर और ये है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर और ये है अपना माइक्रो कंप्यूटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको हमने, ये डिजिटल कंप्यूटर को हमने चार तरीके से बांटा, सुपर कंप्यूटर,
मेन फ्रेम कंप्यूटर और ये मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। इसके बाद हमारे पास आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर। अब इसमें हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर दिस कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर। इसमें दोनों फंक्शन देखते हैं, एनालॉग की भी रहेगी और डिजिटल की भी रहेगी, जैसे सुपर कंप्यूटर वगैरह होते हैं, ये हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। दिस कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पोजेज सच एज ईसीजी एंड एमआरआई। ईसीजी जो डॉक्टर वगैरह करते हैं, ये ईसीजी और एमआरआई। एमआरआई ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईसीजी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो डॉक्टर करते हैं। इसके बाद जो एमआरआई होता है, एमआरआई मैग्नेटिक रिस्पॉन्स इमेजिंग स्कैन, इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिस्पॉन्स इमेजिंग स्कैन। ये हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। अब आगे हम देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर को, फिर आगे हमने किसे चार भागों में डिवाइड करा, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर में क्या है, सुपर कंप्यूटर इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव बिगेस्ट मतलब ये बहुत बड़े होते हैं, इसके बाद मोस्ट एक्सपेंसिव होते हैं, इस मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर, और ये बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होता है। जैसे ये यूज होते हैं मतलब मौसम विभाग द्वारा आजकल मौसम की जानकारी लेने के लिए। यहाँ पे इट इज़ यूज फॉर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एप्लीकेशन सच एज साइंटिफिक पर्पसेस, मतलब साइंटिफिक उद्देश्य के लिए, रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है, डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, वेदर फोरकास्टिंग, ये हमने बताया था कि मौसम विभाग के द्वारा मौसम की जानकारी लेने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए, वेपन डिजाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है इसको, एंड न्यूक्लियर रिसर्च, जो न्यूक्लियर रिसर्च, ये है हमारे पास सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर ये है सुपर कंप्यूटर। इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज परम 8000 है, और इसको किसने डिजाइन किया था, ये है इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर जो कि परम। ये क्वेश्चन बहुत बार मतलब एग्जाम में पूछा गया कि इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, परम 8000, परम 8000। और ये किसने डिजाइन किया, ये डिजाइनड बाई सीडेक है ना। सीडेक का फुल फॉर्म क्या है, सेंटर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है ना। अब इंडिया का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है यहाँ पे वो है, दो है यहाँ पे, पहला है प्रत्यूष और दूसरा है मिहिर है ना। इनकी स्पीड कितनी है, स्पीड है इसकी 6.8 पेंटा फ्लोप पर सेकेंड, और एट IIT पुणे, IIT पुणे में है ये, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी इज अ साइंटिफिक इंस्टीट्यूट बेस्ड इन पुणे, और ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, पुणे में है, महाराष्ट्र। अब यहाँ पे आगे है वर्ल्ड फास्ट, एक तो क्वेश्चन आता है इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ये अपने प्रत्यूष और मिहिर है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई उसकी स्पीड कितनी है, तो उसकी स्पीड है 6.8 पेंटाफ्लॉप पर सेकेंड, और ये जो कहाँ पे है अभी, तो ये है कहाँ पे, IIT पुणे में है। और एक और पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ये परम 8000 है, और परम 8000 किसने डेवलप किया, तो सीडेक ने। और एक और क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो एटलस है। इसके बाद वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड मतलब दुनिया का सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन सा है, तो ये सुमित है, जिसका जिसकी स्पीड जो है, स्पीड है
122 पॉइंट मतलब 122.3 पेंटाफ्लोप पर सेकेंड बाई ओक रिज यूएसए के द्वारा बनाया गया। एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर, हमारे पास कौन कौन से सुपर कंप्यूटर है इनको याद रखना चाहिए। जैसे है आदित्य, एक सुपर कंप्यूटर है, क्रे XC30 है, क्रे XC30 है। इसके बाद HP ओपोलो 6000 है, परम है, योर सेकेंड है, टाइटेन है, टाइटेनिक 2 है, क्रे है, सहस्त्र है, सहस्त्र टी है, सनवे है, थायुलाइट है। अब इसके बाद जो डिजिटल कंप्यूटर, जो इसका हमने डिजिटल कंप्यूटर का सुपर कंप्यूटर हुआ, उसके बाद हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज मल्टीपल प्रोसेसर, मतलब इसमें बहुत सारे प्रोसेसर, मतलब प्रोसेसर का मतलब क्या होता है, सीपीयू। इसमें बहुत सारे सीपीयू लगे हुए रहते हैं कि किसी भी टास्क को कम करने के लिए, मतलब ज़्यादा टास्क कंप्लीट करने के लिए, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए हम ज़्यादा प्रोसेसर यूज़ करते हैं, मतलब उसमें हम सीपीयू ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। दैट ऑपरेटेड बाई थाउजेंड ऑफ यूज़र, और उस मेन फ्रेम कंप्यूटर को बहुत सारे यूज़र, जो कंपनी में यूज़ किया जाता है उसमें बहुत सारे यूज़र्स बैठ के उस कंप्यूटर पे काम करते हैं। वेयर मैनी पीपल इन ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन नीड टू फ्रीक्वेंट एक्सेस, और बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में उनको बहुत ज़्यादा एक्सेस, मतलब यूज़ करने के लिए, एक्सेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन और मोर लार्ज डाटाबेस, मतलब बहुत बड़े डाटाबेस से हम उसको इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए इस तरह के कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। और ये दिस कंप्यूटर यूज्ड बाय गवर्नमेंट बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग, और ये है कि नहीं, गवर्नमेंट जो होती है उससे वहाँ से डाटा को एक्सेस करने में, या गवर्नमेंट इसको यूज़ करती है, जैसे बैंक में यूज होता है, रेलवे में जो IRTC जो साइड है वहाँ से रेल बुक करने में जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। बैंकिंग में इसका यूज़ होता है। इसके बाद लार्ज स्केल कंप्यूटिंग पर्पोसेस में ये यूज, मतलब बहुत बड़े सेक्टर में इसका उपयोग करते हैं। इसका एग्जांपल है IBM Z सीरीज़ के जो कंप्यूटर है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है। इसके बाद सिस्टम जो है, सिस्टम Z9 है, Z10 सर्वर। इसके बाद ये है अपने पास मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो जैसे हमारे पास बैंक है, रेलवे है, उनका जो सा कंप्यूटर है वो एक ऐसी जगह पे ये रखे हुए हैं। अब यहाँ पे मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर क्या है, मिनी कंप्यूटर आर बिगर इन साइज, क्या है, बिगर और लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी, ये साइज में बड़े होते हैं, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, फास्टर स्पीड देन माइक्रो कंप्यूटर। ये जो माइक्रो कंप्यूटर है उससे ही ये बड़े, मेन फ्रेम कंप्यूटर से क्या है, छोटे होते हैं, लेकिन जैसे इस वालों से ये क्या रहेंगे, मिनी कंप्यूटर छोटे रहेंगे, ये जो बड़े कंप्यूटर हैं उनसे। ये इनके जो सर्वर होते हैं, ये सर्वर जहाँ पे सारे डाटा स्टोर करे हुए जाते हैं ये। इसके बाद ये मिनी कंप्यूटर होते क्या करते हैं, ये मेन फ्रेम से क्या होते हैं, छोटे होते, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े होते साइज में। तो मिनी कंप्यूटर आर बिगर इन साइज, लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी और फास्टर स्पीड देन माइक्रो कंप्यूटर, मतलब इनकी साइज भी बड़ी होती, किससे साइज बड़ी होती, माइक्रो कंप्यूटर से, मेन फ्रेम से तो छोटे होती, इसका स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, किससे, माइक्रो कंप्यूटर से स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी। इसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, किससे, माइक्रो कंप्यूटर से, लेकिन मेन फ्रेम से कम रहेगी, क्योंकि मेन फ्रेम में क्या होता है, मेन फ्रेम में हमने प्रोसेसर मतलब सीपीयू ज़्यादा लगा रखे, और यहाँ पे हमारे पास इट सपोर्ट मल्टी यूज़र कंप्यूटर। ये मल्टी यूज़र कंप्यूटर मतलब ये बहुत सारे यूज़र को सपोर्ट करता है। ऑपरेटेड बाई 4 से 4 to 2000, मतलब 200 यूज़र्स आसानी से इस कंप्यूटर को, मिनी कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर में इससे भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे
उसके कंपैरिजन में कम यूज़ कर सकते हैं। और ये कंप्यूटर दिस कंप्यूटर यूज्ड फॉर, और ये जो कंप्यूटर है ना, यहाँ पे हमने बताया कि 4 से 2000 मतलब 200 यूज़र इजीली यूज़ कर सकते हैं। और दिस कंप्यूटर यूज्ड फॉर स्मॉल बिजनेस पर्पोज, मतलब छोटे छोटे बिजनेस, वो बहुत बड़े सेक्टर को कवर करते हैं मैन फ्रेम कंप्यूटर। बट ये क्या कर रहे हैं, बहुत ही स्मॉल बिजनेस पर्पोज के लिए, किसी एक दुकान, किसी एक छोटा सा एजुकेशन इंस्टीट्यूट उसमें यूज़ होते हैं, या फिर कोई इंडस्ट्री वगैरह है, बिजनेस पर्पसेस या इंडस्ट्री पर्पस कंट्रोल है। ये कौन से कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर। अब यहाँ पे एग्जांपल है PDF 8 है, IBM सिस्टम 3 है, HP 3000 है। ये किसके एग्जांपल है, अपने मिनी कंप्यूटर के हैं। अब माइक्रो कंप्यूटर में, माइक्रो कंप्यूटर स्मॉलर और स्मॉल साइज कंप्यूटर फॉर पर्सनल यूज़, ये पर्सनल यूज़ के लिए किए जाते हैं, जैसे अभी पाम टैब है, लैपटॉप है, इसके बाद हमारे पास मोबाइल है, ये माइक्रो कंप्यूटर के। दिस कंप्यूटर यूज्ड इन होम, ऑफिस, स्कूल, पब्लिक प्लेस, इट इज़ आल्सो कॉल्ड PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर। एग्जांपल इसके है, डेस्कटॉप आ जाता है एग्जांपल, किसका एग्जांपल, माइक्रो कंप्यूटर का, मतलब बहुत छोटे वो कंप्यूटर होते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, उसके डेस्कटॉप है। इसके बाद जो लैपटॉप अपन यूज़ करते हैं, पोर्टेबल कंप्यूटर जिसको बोलते हैं। इसके बाद पाम टैब है, जो हाथ में रख के आया उसको प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ओवर एंड, ये भी बोलते हैं कि पॉम टॉप कहाँ पे यूज़ किया था, तो ये हम अपनी हथेली पे यूज़ रख के यूज़ करते हैं उसको, पॉम टॉप यूज़ करते हैं कहते हैं। मतलब PDA क्या होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट फॉर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA का फुल फॉर्म, फॉर स्टोर द बेसिक इंफॉर्मेशन सच एड्रेस, कैलेंडर इंफॉर्मेशन, इसके बाद ब्लूटूथ ETC। और फिर कौन सा इसका, माइक्रो कंप्यूटर का स्मार्टफोन जो आ जा गए, ये सारे क्या क्या एग्जांपल हैं माइक्रो कंप्यूटर के। तो ये अपने पास माइक्रो कंप्यूटर, उसका माइक्रो कंप्यूटर का जो एग्जांपल है, जिसमें ये डेस्कटॉप है, इसी तरह एक लैपटॉप इसका एक उदाहरण है, मोबाइल है, पाम टॉप है, तो गाइज आज के वीडियो में हमने ये बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर जो आज तक यूज होते आ रहे हैं, तो किसे, मतलब जो हम पेट्रोल पंप पे देखते हैं वो कौन सा कंप्यूटर है, जहाँ पे भी रीडिंग वगैरह शो होती है, और सुपर कंप्यूटर की जो कहानी है उसमें कौन सा टाइप है, इससे रिलेटेड हमने आपको बताया। तो गाइज अगले वीडियो में हम आपको उसकी जनरेशन की, फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था, उसकी पीरियड क्या है, उसका टेक्नोलॉजी फर्स्ट जनरेशन में कौन सा, उसमें लैंग्वेज कौन सी यूज़ हुई, उसमें मेमोरी कौन सी यूज़ हुई, उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुआ, फर्स्ट जनरेशन के एग्जांपल कौन कौन से, फर्स्ट जनरेशन का यूज़ क्या होता था, उससे रिलेटेड जानकारी देंगे। तो अब तक के लिए धन्यवाद।